सो है गाइस आज का ये वीडियो का डिमांड बहुत कोई मेरे को कर रहा था कि भाई ऐसा मॉन्स्टर फिश के ऊपर वीडियो बनाओ जो कि एक्वेरियम के लिए मेड है मतलब एक्वेरियम के लिए बना बना है और एक्वियम में रख सकते हो भी घर में हमारे पास पॉन्ड बनाने का जगह नहीं है उतना पैसा नहीं है तो भाई हमको ऐसा मॉन्स्टर फिश चाहिए जो देखने में भी सुंदर है और एक्वरियम में भी लाइफ टाइम के लिए रह जाए सो so गाइस उसके बारे में आज के वीडियो में फुल्ली डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस आज मैं बेसिकली टेन फिशेस ऐसा बताऊंगा तो टेन फिशेस में से नंबर वन में जो है वो है जाइंट गोडामी जायट गोडामी के लिए मैक्स मिनिमम जो टैंक रिक्वायरमेंट है वो फोर फीट होगा उसके बाद फीडिंग जो है लाइव फीडिंग लेगा और इसका हाइट जो है लगभग टू पॉइंट फाइव से थ्री फीट तक जाता है और बहुत ही बुली टाइप का फिशेस होता है इसलिए इसके साथ दूसरा कोई फिश मत रखना बहुत ही बुली करता है दूसरे के ऊपर इवन एरवाना को भी मार देता है आराम से इसलिए ये फिश के साथ दूसरा फिश मत रखना जाइंट गोडामी दो टाइप का होता है एक नॉर्मल जाइंट गोडामी एक रेडटल जाइट गोडामी रेडटल का प्राइस जो

बहुत ही सुंदर होता है मस्त देखने में होता है क्लाउनर इवन मेरे को पर्सनली पसंद है पर अभी जो इसका प्राइस बहुत ही हाई चल रहा है इसीलिए अभी मैं खरीदता नहीं हूं क्योंकि बहुत ही हाई हो गया अभी प्राइस जब मैं फिर से घटेगा तो मैं खरीद लूंगा खुद के लिए तो चलिए टॉप टेन लिस्ट में नंबर थ्री में जो है वो है स्नेक हेड स्नेक हेड मतलब बहुत ही फेमस फीस हो गया है आज का टाइम में मॉन्स्टर में क्योंकि भाई इन लोग का जो ब्यूटीनेस है टैंक में ना आप लोग सोच भी नहीं सकते स्पेशली फॉर ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर में अगर आप लोग रखेंगे स्नेकहेट को भाई इतना सुंदर लगता है देखने में कि क्या ही बोलो स्नेकड बहुत ही एक फेमस फीस है अभी का दिन में मॉन्स्टर फीस में और इसका मिनिमम टैंक साइज होना चाहिए फाइव फिट टैंक और ये जब मेटिंग टाइम आता है ना ये लोग का ब्यूटी ये लोग का मेटिंग डैंस आप लोग देखेंगे भाई जीवन धन्य हो जाएगा आप लोग देखेंगे अगर सामने से तो हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फोर में जो है वो है फ्लावर हॉर्न फ्लावर हॉर्न मॉन्स्टर में बोल सकते हैं क्योंकि साइज बहुत ही बड़ा होता है स्पेशली काम्फा काम्फा एकदम नेक्स्ट लेवल फ्लावर हॉर्न है भाई देखने में जैसा साइज भी वैसा फीडिंग भी वैसा मतलब सोच सकते हैं गाइस आपको काम्फा अगर पालना है तो मिनिमम ऑफ टैंक साइज आपको फाइव फीट पकड़ के चलना होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा और इसका हेड हेडबंप भी बहुत बड़ा होता है इसलिए काम्फा के लिए मिनिमम फाइव फीट टैंक नेसेसरी है एक काम्फा मतलब काम्फा तो नहीं बोलूंगा फ्लावर हॉन पेलर्स में फीडिंग ले, ले लेता है लास्ट दो टो जो बोला है स्नै हेड और क्लाउन नाइट वो दोनों जो है लाइव फीडिंग लेता है तो हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर फाइव में जो है बहुत ही फेमस एंड चीपेस्ट मॉन्स्टर फिश जो कि है ऑस्कर ऑस्कर लोकल है लोकल जो ऑस्कर है उसे हम लोग चार्ज बहुत ही चीप प्राइस में खरीद सकते हैं पच्चीस तीस रुपया में और जो इम्पोर्टेड होता है एक सौ दस एक सौ बीस ऐसा चला जाता है और भाई बहुत ही फेमस है ऑस्कर आज का दिन में स्नेकह हेड और ऑस्कर और एरोवाना बहुत फेमस हो गया क्योंकि ऑस्कर देखने में मैंगो ऑस्कर आप लोग अगर देखेंगे सुपर रेड ऑस्कर ऐसा सुंदर देखने में होता है मतलब क्या ही बोलो ऑस्कर भी लाइफ फिटिंग लेते हैं एज वेल एज स्पेलेट भी लेते हैं मिनिमम टैंक साइज आपको थ्री फीट देना होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सिक्स में जो है वो है एरोवाना एरोवाना पर सिल्वर नहीं एशियन एरोवाना क्यों सिल्वर एरोवाना देखिए टैंक में रह जाते है पर बहुत बड़ा होता है एशियन एरोवाना का कॉम्पिटिजन में इसलिए टैंक देना ठीक नहीं होगा कभी अगर मतलब ऐसा धक्का मार के फोर देगा तो भाई झमेला हो जाएगा इसलिए एशियन एरोवाना आप लोग उसमें रख सकते हैं फीडिंग लेगा लाइफ फीडिंग मिनिमम ऑफ टैंक साइज सिक्स टू सेवन तो फीट आपको देना ही होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर सेवन में जो है पीकॉक बेस पीकॉक बेस उतना बड़ा टैंक तो नहीं लगता लगभग थ्री फीट में खत्म और पीकॉक बेस भी लाइव फीडिंग लेता है पीकॉक बेस का पीकॉक बेस भी मॉन्स्टर में ही आता है मॉन्स्टर फिश के साथ रहता है पर गाइस देखिए आप लोग एक बार मोस्टाफिस रख रहे हैं गेट टुगेदर तो रखने से पहले एक बार गूगल कर लीजिए कि भाई ये इसके साथ रहता है कि नहीं या फिर मेरे को भी इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं फेसबुक में पूछ सकते हैं एक बार उसके बाद रखिए क्योंकि बहुत कोई ऐसा होता है बहुत बुली टाइप का फिशेस होता है सपोज जॉइंट गोड़ा में बहुत ही बुली करते हैं इसलिए एक बार मतलब देख लेने के लिए देख के रखने मतलब बहुत ही अच्छा होगा नहीं तो बुल करेगा तो भाई मर ही जाएगा तो हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर एट में जो है वो है स्टिंगड़े स्टिंगरे भी मॉन्स्टर में ही आता है ब्लैक डायमंड हो मोटोरो हो हाइब्रिड हो कुछ भी हो जाए पर स्टिंगरे मॉन्स्टर में आता है स्टिंगरे भी लाइफ फीडिंग लेता है मिनिमम ऑफ टैंक साइज आपको फाइव फीट या फिर फोर फीट में भी चल जाएगा पर इसका जो विथ है बहुत ही ज्यादा रखना होगा लगभग फोर इंटू थ्री आपको मिनिमम रखना ही होगा क्योंकि स्टिंगरे का जो डायमीटर है ना बहुत बड़ा होता है इसलिए आपको विथ जो है टैंक का बहुत ही बड़ा रखना होगा हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नंबर नाइन में जो है वो है किंग कॉन्ग किंग कॉन्ग पैरोड जो नॉर्मल फिश होता है उससे कई गुना बहुत ही बड़ा होता है उसका भी जो शरीर है शरीर का सेप पूरा गोल जैसा होके बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत सुंदर देखने में लगता है एकदम ब्लड कलर का भाई देखेंगे तो भाई मस्त लगेगा टैंक में स्पेशल ये भी ब्लैक वाटर के लिए बहुत ही मस्त लगता है ब्लैक वाटर में अगर देंगे तो और एट लास्ट टॉप टेन लिस्ट में नंबर टेन में जो है वो है डैटनॉइड डाटनॉयड इंडोनेशियन टाइगर भी बहुत कोई बोलता है डैटनॉइड के लिए भी मिनिमम ऑफ टैंक साइज लगेगा फोर फीट फीडिंग लेता है लाइव फीडिंग और किंग पैरोड भी मिनिमम टैंक साइज फोर टू फाइव फीट और लाइव फीडिंग लेता है पर डैटनॉइड डैटनॉइड का जो बॉडी में स्ट्राइप्स होता है उसे ही देखने में बहुत मज़ा लगता है और कुछ भी बोले यह भी ब्लैक वाटर में मस्त लगता है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोग को जानता हूँ कोलकाता में कि वो लोग ब्लैक वाटर करते हैं और उसमें कुछ फिशेस है अगर मैं दिखा सकता दिखा तो नहीं सकता पर आ, बोल रहा हूँ लेटर ऑन कभी उससे परमिशन लेके मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आप लोग का जीवन धन्य हो जाएगा ऐसा सुंदर लगता है देखने में ना ब्लैक वाटर में मोस्टर भाई कुछ बोल ही नहीं सकता सो गाइस ये था बेसिकली टॉप टेन लिस्ट जो कि आप लोग टैंक में रख सकते हैं और गाइस बहुत को ऐसा बोल रहा था कि मतलब Uh, अपना बर्ड में अपडेट दो बर्ड में अपडेट ऐसा बोल रहा था बहुत कोई तो गाइस बोलना चाहता तो हूँ बर्ड का अपडेट आएगा पर कुछ दिन बाद चार पांच दिन क्योंकि गाइस एक सरप्राइज़ में भी हो सकते हैं मे भी नहीं भी हो सकते हैं पर इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ थोड़ा वेट कर लूँ उसके बाद इसलिए गाइस थोड़ा देरी हो रहा है पर अपडेट बहुत ही जल्दी दूंगा सो गाइस ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक भी नहीं कहीं मत जाना और चैनल पर भी ना होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसा और वीडियो इन फ्यूचर रेगुलरली इसी चैनल में देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो